हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे डीसी की नंबर वन मूवी मैन ऑफ स्टील की। हम यहां पर डीसी की सभी मूवी को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब डीसी सीरीज की नंबर वन मूवी मैन ऑफ स्टील की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में क्रिप्टन नाम का एक प्लेनेट दिखाया गया है, जहां पर फ्लोरा नाम की औरत एक बच्चे को जन्म देती है। वहां पर फ्लोरा का हस्बैंड जोरल भी था। इस बच्चे का नाम कालरेल रखा जाता है। क्रिप्टन हमारी दुनिया से अलग था और पृथ्वी से करोड़ों मीलों दूर था। उनकी टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल हमारी दुनिया से बहुत अलग थी। पर क्रिप्टन प्लेनेट का कोर अंदर से डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिससे यह ग्रह तबाही की कगार पर था। इस बात से वरीड होकर जोरल क्रिप्टन के सुप्रीम काउंसिल मेंबर से मिलता है। वो उन्हें कहता है कि कयामत नजदीक है और हमारा प्लेनेट बस नष्ट होने ही वाला है, तो अगर आप अब भी हमारे लोगों को बचाना चाहते हो तो क्रिप्टन का कोडेक्स मुझे दे दो, जिसके जरिए हम अपने लोगों को दूसरे प्लेनेट पर ले जाकर एक नई दुनिया बसाएंगे। पर तभी वहां जनरल जोर्ड नाम का शख्स अपने साथियों के साथ आता है और काउंसिल के मेंबर पर हमला करता है। यहां पर वैसे जोरल और जोर्ड का एक ही मकसद था, वो दोनों ही कोडेक्स की मदद से किसी दूसरे प्लेनेट पर क्रिप्टन के लोगों को ले जाना चाहते थे। पर जोरल चाहता था कि क्रिप्टन के लोग दूसरे प्लेनेट पर जाकर वहां के लोगों के साथ मिलजुल कर रहे। पर जोर्ड चाहता था कि जिस प्लेनेट पर क्रिप्टन के लोग जाए वहां सिर्फ क्रिप्टोनियन ही रहे, और वह दूसरे प्लेनेट के लोगों को मारना चाहता था। वहां जोरल जोर्ड का इरादा समझ गया था कि जोर्ड मासूमों को मार डालेगा, तो वह जोर्ड से मुकाबला करता है और जोर्ड भी जोरल को रोकने की कोशिश करता है। पर जोरल चालाकी से वहां से निकल जाता है। जोरल अब बाहर आ गया था। वो वहां अपने वफादार ड्रैगन हराका को बुलाता है और उस पर सवार होकर वहां से निकल जाता है। जोरल वहां से सीधा कोडेक्स के पास पहुंचता है। उस खास कोडेक्स की वजह से ही क्रिप्टन में स्पेशल एबिलिटी के साथ बच्चे जन्म लेते थे और उसमें पूरी क्रिप्टन प्लेनेट की जानकारी थी। जोरल वह कोडेक्स ले लेता है, पर तभी वहां पर जोर्ड आकर जोरल से वह कोडेक्स लेने की कोशिश करता है। उस हमले में हराका ड्रैगन घायल हो जाता है, पर हराका जोरल को वहां से सही सलामत निकाल लेता है। जोरल आखिर वह कोडेक्स लेकर अपनी वाइफ फ्लोरा के पास आ जाता है। जोरल फ्लोरा से पूछता है कि क्या तुमने हमारे बच्चे के लिए कोई सेफ प्लेनेट ढूंढा, तो फ्लोरा कहती है कि हाँ, मुझे एक ऐसा सेफ प्लेनेट मिल गया है जहां हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं। यहां पर जोरल अपनी खास क्लिक्स नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कोडेक्स को अपने बेटे कालेल की डीएनए से कंप्लीट मैच कर देता है। जोरल फ्लोरा से कहता है कि हमारा बेटा ही अब हमारी आखिरी उम्मीद है और क्रिप्टन तबाह होने वाला है, तो कालेल को यहां से जाना ही होगा। यहां पर फ्लोरा इमोशनल हो जाती है, पर जोरल उसे कहता है कि कालेल का जन्म एक खास मकसद के लिए हुआ है, तो उसे यहाँ से जाना ही होगा। आखिर वहाँ जोरल और फ्लोरा अपने बेटे को आखिरी अलविदा कहकर एक स्पेसशिप में उसे रख देते। वहाँ जोरल एक खास की अपने बेटे कालेल को पहनाता है। यहाँ फ्लोरा उस स्पेसशिप को लॉन्च करने की तैयारी करती है और वही दूसरी ओर जोर्ड अपने साथियों के साथ वहाँ पर आ जाता है। जोर्ड को क्रिप्टन का खास कोडेक्स चाहिए था, पर जोरल कोडेक्स देने से साफ मना कर देता है। इस बात से गुस्से में आकर जोर्ड जोरल पर हमला करता है। वही जोरल भी उसका मुकाबला करता है। आखिर वहां जोर्ड जोरल पर वार करके उसे खत्म कर देता है, पर तब तक वो सीप वहां से बहुत दूर जा चुकी थी। वहां जोर्ड अपने साथियों को उस स्पेसशिप पर हमला करने के लिए कहता है, पर दूसरी फाइटर शिप उनके हमले को नाकाम कर देती है। उस फाइटर शिप को क्रिप्टन के सुप्रीम काउंसिल ने भेजा था। यहां पर जोर्ड और उसके सभी साथियों को काउंसिल के मेंबर की हत्या करने के लिए सजा दी जाती है। वहां जोर्ड गुस्से में सबको कहता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा और इसका बदला लूंगा, और उन सबको कंप्लीट फ्रीज कर दिया जाता है एक खास फैंटम सेल में, जहां पर कई साल तक वह इसी सिचुएशन में कैद रहेंगे। यहां कालेल का पृथ्वी पर पहुंचने वाला था। दूसरी ओर क्रिप्टन प्लेनेट अनस्टेबल कोर की वजह से डिस्ट्रॉय होने लगता है। यह सब फ्लोरा बेबस होकर देख रही थी और यहां पर एक बड़े धमाके के साथ पूरा क्रिप्टन प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में प्रेजेंट टाइम की स्टोरी दिखाई गई है, जहां पर क्लार्क कैंट नाम का शख्स था। वह एक जहाज पर फिशरमैन का काम करता था। तभी उन्हें रेडियो पर खबर मिलती है कि नजदीक एक पेट्रोल रिग जहाज पर आग लगी है और उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं। उन्हें वहां से निकल पाना भी मुश्किल था, पर तभी उस जल रहे पेट्रोल रिग जहाज पर क्लार्क पहुंच जाता है। क्लार्क वहां जहाज का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। उसी वक्त वहां पर रेस्क्यू टीम भी हेलीकॉप्टर लेकर आती है।
क्लार्क एक एक करके सबको हेलीकॉप्टर के पास ले जा रहा था, पर तभी वहाँ एक टावर नीचे गिरने लगता है। क्लार्क उस वक्त अपनी स्पेशल पावर से उस टावर को गिरने से रोक लेता है। उस वक्त रेस्क्यू टीम तो हेलीकॉप्टर में सबको लेकर वहाँ से निकल जाती है, पर वहाँ पेट्रोल रिग जहाज पर बड़ा धमाका होता है और क्लार्क धमाके से सीधा पानी में आकर गिरता है। क्लार्क को उस वक्त अपने पास की बातें याद आने लगती है। वो जब छोटा था तो उसे सब कुछ एक एक्सरे विजन के जैसे दिखता था, वही उसे दूर की आवाजें भी एकदम क्लियर सुनाई देती थी। क्लार्क सब कुछ महसूस कर सकता था, यह सब उसे बहुत डिस्टर्बिंग लगता था। वही क्लार्क अपनी स्कूल बस से जा रहा था, तब वहाँ पीट नाम का लड़का उसे परेशान करता है। वहाँ एक लड़की पीट से कहती है कि कैंट को परेशान मत करो, पर उसी वक्त वहाँ टायर पंचर होने की वजह से बस आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक तालाब में गिरती है। वहाँ क्लार्क उस बस को अपनी पावर से उठाकर पानी से बाहर ला देता है। वही क्लार्क फिर से तालाब में जाकर पीट को भी पानी से बाहर लाकर उसकी जान बचाता है। क्लार्क भी नहीं समझ पाता था कि आखिर उसमें ऐसी पावर कहाँ से आई। वहाँ पर क्लार्क के डैड जोनाथन उसे कहते हैं कि दुनिया अभी तुम्हारी पावर को नहीं समझ पाएगी, तो बेहतर यही रहेगा कि तुम लोगों के सामने अपनी पावर यूज मत करो। अब क्लार्क होटल में एक वेटर का काम करने लगता है। एक दिन वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे कि एंटार्क्टिका में एक स्पेसशिप मिला है जो करीब 20,000 सालों से भी पुराना है। यह सुनकर क्लार्क वहाँ जाने के लिए निकलता है। अब नेक्स्ट सीन में एंटार्क्टिका दिखाया गया है। वहाँ पर लुइस लेन नाम की लड़की को दिखाया गया है जो कि एक रिपोर्टर थी। लुइस सोल्जर को कहते हैं कि मैं द प्लेनेट नाम की न्यूज चैनल के लिए काम करती हूँ। दरअसल लैन को यकीन था कि यहाँ पर जरूर कोई खास चीज है जिसे सब लोगों से छुपाया जा रहा है और इसीलिए वो यहाँ रिपोर्टिंग करने आई थी। अब यहाँ पर न्यूज रिपोर्टर को देखकर लीड जनरल उसे रोक देते, पर लैन ने भी तय कर लिया था कि वह सच्चाई जान के रहेगी। आखिर लैन रात को वहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स खींचने लगती है, तभी उसे क्लिक की गई फोटो में एक शख्स दिखाई देता है। दरअसल वो शख्स क्लार्क कैंट ही था। लैन वहाँ क्लार्क का पीछा करती है। वही दूसरी ओर क्लार्क अपनी आंखों की लेजर बीम से एक बर्फ के पहाड़ को पिघला देता है। क्लार्क देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा स्पेसशिप था। क्लार्क उस शिप में एंटर होता है। वहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल था। क्लार्क के पास एक खास कमांड की थी जो उसके डैड ने ही उसके साथ भेजी थी। क्लार्क उस कमांड की को उस इंटेलिजेंस मॉड्यूल में एंटर करता है। की एंटर करते ही क्लार्क को वहाँ एक शख्स दिखाई देता है। दरअसल वो क्लार्क के डैड की ही सभी थी। क्लार्क जोरल से पूछता है कि आप कौन हो, तो जोरल कहता है कि तुम मेरे बेटे हो और हम सब क्रिप्टन नाम के एक प्लेनेट पर रहते थे। जोरल कहता है कि हमारा ग्रह तबाह होने वाला था क्योंकि उसका कोर डिस्ट्रॉय होने लगा था। वो क्लार्क को कोडेक्स के बारे में भी बताता है। जोरल क्लार्क से कहता है कि क्रिप्टन में एक जनरल जोड नाम का शख्स था जो यह कोडेक्स पाना चाहता था और वो कोडेक्स के जरिए एक अलग दुनिया बसाना चाहता था जहां वो क्रिप्टोनियन के अलावा बाकी सबको खत्म करना चाहता था, पर मैं इसके खिलाफ था और इसी वजह से मैंने तुम्हारे डीएनए के साथ वह कोडेक्स मैच कर दिया और तुम्हें पृथ्वी पर भेज दिया और अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ऐसा कहकर जोरल क्लार्क को एक खास कॉस्ट्यूम देते जिस पर एस लिखा हुआ था। अब लैन भी वहाँ क्लार्क का पीछा करते हुए उस स्पेसशिप में आ जाती है। वहाँ उसे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिखाई देता है, तो लैन उसकी फोटो कैप्चर करने लग जाती है, पर तभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर हमला करता है, पर राइट टाइम पर वहाँ क्लार्क आकर लैन को बचा लेता है। क्लार्क लैन को वहाँ से बाहर निकल कर आर्टिक पर छोड़ देता है और उस स्पेसशिप को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब लैन को ऑलरेडी पता चल गया था कि उसने जिस शिप को देखा था वह एक एलियन शिप थी, तो लैन वापस आकर द प्लेनेट के मेन हेड पेरी से मिलती है। वो पेरी को कहती है कि हमें उस स्पेसशिप के बारे में और क्लार्क के बारे में न्यूज छापनी चाहिए, पर पेरी लैन को इस आर्टिकल को छापने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि इस खबर से उन्हें और उनकी टीम को प्रॉब्लम हो सकती है। पर लैन ने भी तय कर लिया था कि वह क्लार्क के बारे में सबको बताएगी, तो वह एक दूसरे न्यूज रिपोर्टर से मिलती है और उसे स्पेसशिप और क्लार्क के बारे में बताती है। वही दूसरी ओर सुपरमैन को दिखाया गया है जिसे अब अपनी पहचान मिल चुकी थी। वो वहाँ अपने रियल डैड जोरल की बात याद करता है। उन्होंने क्लार्क से कहा था कि तुम सबसे अलग और सबसे खास हो, तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, तुम्हारे सामने कई चुनौतियां आएगी लेकिन तुम्हें सभी चुनौतियों के लिए तैयार रहना है, सूरज हमेशा तुम्हें शक्ति देगा। आखिर वहाँ सुपरमैन एक उड़ान भरता है और गोली की रफ्तार से आसमान के बादलों को चीरता हुआ आगे निकल जाता है और बस यही था वह सुपर हीरो सुपरमैन द मैन ऑफ स्टील।
अब नेक्स्ट सीन में लेन को दिखाया गया है जो क्लार्क की बैकग्राउंड हिस्ट्री निकालकर उसके घर पहुंचती है। वहां उसकी मुलाकात क्लार्क की मॉम मार्था से होती है। वहां से लेन जोनाथन की कब्र के पास आती है जो कि क्लार्क के डैड थे। तभी वहां पर सुपरमैन यानी कि क्लार्क भी आ जाता है। वो लेन से पूछता है कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ क्यों पहुंची। तो लेन कहते है कि तुम्हारे पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है तो तुम उसे दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। तो क्लार्क वहां लेन को उसके साथ हुआ एक हादसा बताता है। एक दिन उसकी पूरी फैमिली कार में बैठकर कहीं जा रही थी, तभी वहां एक टॉर्नेडो उनकी ओर आ रहा था। वो बहुत ही जबरदस्त बवंडर था। सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जोनाथन, मार्था और क्लार्क भी कार से बाहर आ चुके थे, पर उनका कुत्ता कार में ही रह गया था। तो जोनाथन उस कुत्ते को बचाने कार के पास आते और अपने कुत्ते को कार से बाहर निकाल देते, पर कुत्ते को बचाते वक्त वह काफी जख्मी हो जाते जिस वजह से जोनाथन वहां से नहीं निकल पाते। अब वो बवंडर भी जोनाथन के करीब आ गया था। यह देखकर क्लार्क अपने डैड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो चाहता तो बड़ी आसानी से अपने डैड जोनाथन को बचा सकता था, पर जोनाथन उसे हाथ दिखाकर वही रुकने के लिए कहते। और तभी क्लार्क के सामने ही वो भयंकर तूफान उसके डैड जोनाथन को भी अपने साथ ले जाता है। इस हादसे से क्लार्क बहुत रोता है और अपसेट हो जाता है। और जोनाथन ने ही उसे कहा था कि कभी अपनी पावर दुनिया के सामने मत यूज करना, बस इसी वजह से वह अपनी पावर दुनिया से छिपा रहा था। पर लैन क्लार्क से कहते कि तुम एक अच्छे इंसान हो और किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकते, तो आज नहीं तो कल तुम्हारी सच्चाई जरूर सबके सामने आ जाएगी। आखिर क्लार्क वापस अपने घर आ गया था। वह अपनी मॉम मार्था से मिलता है और उन्हें कहता है कि आखिर मुझे मेरी पहचान मिल गई, मैं जान गया हूँ कि मेरे डैड कौन थे और मुझे मेरे सभी प्रश्नों के भी जवाब मिल गए हैं। यह सुनकर मार्था बहुत खुश हो जाती है। वही मार्था अपसेट भी थी क्योंकि उसे लगा कि अब शायद क्लार्क यहाँ से चला जाएगा। पर क्लार्क मार्था से कहता है कि डोंट वरी मॉम, मैं अब यहाँ पर आपके साथ ही रहूंगा। वही दूसरी ओर यूएस मिलिट्री फोर्स को कुछ सैटेलाइट तस्वीरें मिलती है जिसमें उन्हें कुछ स्पेसशिप पृथ्वी की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वही सभी जगह पर लाइट चली जाती है और यहाँ अचानक टेलीविजन पर कोई खास टेक्नोलॉजी के जरिए सबको एक मैसेज दिया जाता है कि आपकी दुनिया में हमारे ही प्लेनेट का एक शख्स कई सालों से रहता है और अगर पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो उस शख्स को हमें सौंप दो। अब दूसरे दिन इस बात से सब लोग परेशान होने लगते हैं। हर जगह उस एलियन पर्सन की यानी कि सुपरमैन की बात हो रही थी। अब वहां पर लैन का हेड पेरी टेलीविजन पर क्लार्क कैंट के बारे में सबको बता देता है क्योंकि उसे क्लार्क के एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के बारे में लैन ने ऑलरेडी बताया हुआ था। अब यहाँ पर FBI और मिलिट्री टीम भी क्लार्क को पकड़ने के लिए उसके घर पर आ जाती है। वही क्लार्क को भी यह पता चल गया था कि क्रिप्टन का जनरल जोड भी उसे ले जाने के लिए पृथ्वी पर आ चुका है, तो वह पृथ्वी की हिफाजत के लिए US मिलिट्री के पास जाकर खुद सरेंडर कर देता है। अब क्लार्क यानी कि सुपरमैन के हाथों में हथकड़ी डालकर उसे एक रूम में लाया जाता है। वहां पर उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। वहां सुपरमैन के सामने लैन बैठी हुई थी। लैन उसे पूछती है कि तुम्हारे कॉस्ट्यूम पर S लिखा है, इसका मतलब क्या है। तो सुपरमैन कहता है कि उसका मतलब होप यानी कि उम्मीद है। वही दूसरी ओर US मिलिट्री टीम के मेंबर कांच की दूसरी ओर से सुपरमैन पर नजर रख रहे थे। सुपरमैन भी उन्हें देख सकता था। वो उन्हें कहता है कि आप लोगों को मुझ पर इतनी कड़ी निगरानी रखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं हर चीज के आर पार देख सकता हूँ। सुपरमैन उन्हें कहता है कि आप लोगों को मुझसे भी डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग मुझे पृथ्वी की सेफ्टी के लिए उन एलियंस को सौंप दे। ऐसा कहकर सुपरमैन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो एक नेक इंसान है। अब सुपरमैन को एक जगह पर लाया जाता है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक स्पेसशिप आती है। उनमें से दो लोग बाहर आते हैं, जिनमें से एक लड़की का नाम मिया था और दूसरे का नाम डैनी था। वो लोग सुपरमैन को अपने साथ ले जाते हैं। वहां मिया मिलिट्री के पास जाकर लैन की ओर इशारा करके कहती है कि हम लोग इस लड़की को भी अपने साथ ले जाएंगे। इस बात पर मिलिट्री के अफसर मना करते, पर आखिर लैन के कहने पर वो लोग उसे जाने देते। आखिर वो सब स्पेसशिप लेकर वहां से चले जाते। मिया लैन को वहां एक चैम्बर में लॉक कर देती है। वही दूसरी ओर जोड सुपरमैन के पास आता है। यह स्पेसशिप में सुपरमैन बहुत ही कमजोर फील कर रहा था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वही उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। यह देखकर जोड उसे कहता है कि तुम पृथ्वी पर रहकर बहुत ही कमजोर हो गए हो और तुम यह भी भूल गए हो कि आखिर तुम कौन हो। तुम एक क्रिप्टोनियन हो और पृथ्वी हमारे प्लेनेट क्रिप्टोन के आगे कुछ भी नहीं। यहाँ जोड सुपरमैन से कहता है कि हमारा प्लेनेट क्रिप्टोन तबाह हो चुका है और अब मैं पृथ्वी पर बसना चाहता हूँ और सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। ऐसा कहकर जोड सुपरमैन को कोडेक्स के बारे में पूछता है।
सुपरमैन कहता है कि मैं किसी कोडेक्स के बारे में नहीं जानता। यह सुनकर जॉर्ड गुस्से में आ जाता है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुम्हारे डैड जोरल ने भी यही गलती की थी और इसी वजह से मैंने उन्हें मार डाला, और अब तुम भी यही भूल कर रहे हो। अगर मुझे कोडेक्स नहीं मिला तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, और अगर तुमने कोडेक्स के बारे में मुझे नहीं बताया तो मैं यहाँ नया क्रिप्टॉन बसाऊंगा। इंसानी हड्डियों पर एक नया ग्रह खड़ा होगा जिसका नाम होगा न्यू क्रिप्टॉन। दरअसल मिया जब लैन को उस चैम्बर में लॉक करने वाली थी तब सुपरमैन ने एक कमांड की लैन को चालाकी से दे दी थी जो उसके डैड जोरल ने उसे दी थी। लैन को वहां पर एक होल दिखाई देता है जो कि उस कमांड की के अकॉर्डिंग बना हुआ था, और जैसे ही लैन उस कमांड की को उस हॉल में एंटर करती है फिर से जोरल की एक सभी वहां पर आ जाती है। जोरल लैन से कहता है कि यह स्पेसशिप मैंने ही बनाई थी और मैं शिप के सभी दरवाजों के बारे में जानता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि जोर पृथ्वी पर नया क्रिप्टॉन बसाए। जोरल लैन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा और जो भी चीजें मैं तुम्हें सिखाऊंगा वह तुम्हें मेरे बेटे सुपरमैन को कहनी होगी। जोरल वहां के दरवाजे खोलकर लैन को वहां से भागने में मदद करता है, पर वहां मिया और दूसरे सोल्जर आकर लैन को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जोरल की मदद से लैन वहां से बच निकलने में कामयाब होती है और एक स्पेसशिप ग्लाइडर की मदद से वहां से पृथ्वी की ओर लौटने लगती है। वही अब जोरल की छवि सुपरमैन के पास आती है और उसे मुक्का मारकर स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ने के लिए कहता है। सुपरमैन वह दरवाजा तोड़ देता है और तभी सूरज की किरणें सुपरमैन पर पड़ने लगती है जिससे सुपरमैन को फिर से अपनी पावर मिल जाती है। जोरल सुपरमैन को कहता है कि अगर पृथ्वी को विनाश से बचाना चाहते हो तो तुम्हें जोड को रोकना ही होगा। वही दूसरी ओर लैन जिस स्पेसशिप ग्लाइडर में थी वह तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था और वो अब क्रैश होने ही वाला था। तभी सुपरमैन स्पीड में उस ग्लाइडर के पास आकर उसका दरवाजा तोड़ देता है और वहां से लैन को बाहर निकालकर उसे अपनी बाहों में लेकर उसे फाइनली सही सलामत नीचे ला देता है। वही दूसरी ओर जॉर्ड अपने साथियों के साथ क्लार्क की मॉम मार्था के पास आ जाता है। वो लोग मार्था को सुपरमैन के बारे में पूछते और उसे मारने लगते। जॉर्ड को बस किसी भी हाल में वह कोडेक्स चाहिए था, पर तभी वहां सुपरमैन आ जाता है और वो फुल स्पीड में जॉर्ड को वहां से ले जाता है। वो दोनों वहां से बहुत दूर आ गए थे। यहाँ पर सुपरमैन और जॉर्ड के बीच कड़ा मुकाबला होता है और इसी बीच सुपरमैन जॉर्ड का खास हेलमेट तोड़ देता है, पर जॉर्ड को फील होता है कि पृथ्वी का एटमोस्फियर उसे सूट नहीं हो रहा, वो ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। सुपरमैन अब जॉर्ड को भी खत्म करने ही जा रहा था, पर तभी वहां जॉर्ड के साथी आकर सुपरमैन पर हमला करते। वो लोग जॉर्ड को अपने साथ स्पेसशिप में ले जाते। वहां पर जॉर्ड का एक साइंटिस्ट उसे कहता है कि उसे सुपरमैन के ब्लड सैंपल से पता चला है कि क्रिप्टॉन का खास कोडेक्स पूरी तरह से उसके डीएनए में मैच कर दिया गया है। वो साइंटिस्ट जॉर्ज से कहता है कि अगर सुपरमैन को स्पेसशिप में ला दिया जाए तो वह बड़ी आसानी से वो कोडेक्स निकाल लेगा। यह सुनकर जॉर्ज उसे पूछता है कि क्या कोडेक्स के लिए सुपरमैन का जिंदा होना जरूरी है, तो वह साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, हम उसकी डेड बॉडी से भी वह कोडेक्स निकाल सकते हैं। वही वो लोग पृथ्वी पर ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे, तो वो लोग एक खास मशीन पृथ्वी पर भेजते जो पृथ्वी के एटमोस्फियर को पूरी तरह से क्रिप्टॉन की तरह बना सकती थी। उन्होंने ऐसे दो मशीन पृथ्वी पर छोड़े थे जिनमें से यूएस में आती है और दूसरी मशीन हिंद महासागर पर छोड़ी जाती है, और वो दोनों मशीन स्टार्ट होकर एक दूसरे के करीब खास लेजर बीम छोड़ने लगती है। उन दोनों मशीनों की असर से पृथ्वी की ग्रेविटी खत्म होने लगती है जिससे सब लोगों में दहशत फैलने लगती है और वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते है। अब लिन भी यूएस मिलिट्री की ऑफिसर के पास पहुंच जाती है और वह उन्हें जॉर्ड की वह दोनों मशीनें बंद करने का रास्ता बताती है। लैन उन्हें कहते हैं कि यह सीक्रेट उसे खुद सुपरमैन के फादर जोरल ने बताया था। लैन उन्हें कहते हैं कि सुपरमैन को जिस स्पेसशिप में पृथ्वी पर भेजा गया था उस स्पेसशिप को इन दोनों मशीनों के साथ टकरा दिया जाए तो वो मशीन तबाह हो जाएगी। यहाँ सुपरमैन भी आकर उन्हें कहता है कि आप मेरी स्पेसशिप से यूएस वाला मशीन डिस्ट्रॉय कर देना और मैं हिंद महासागर वाले मशीन के पास जाकर उसे तबाह कर दूंगा, जिससे दोनों मशीन तबाह हो जाएगी और पृथ्वी पर हो रही वाइब्रेशन भी रुक जाएगी। अब सुपरमैन वहां से हिंद महासागर में छोड़े गए उस मशीन के पास आ जाता है। यहाँ पर वह अपनी पूरी पावर उस मशीन को में लगा देता है और आखिर वहां सुपरमैन अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर से वह मशीन कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देता है। वही दूसरी ओर लैन और यूएस मिलिट्री फोर्स उस दूसरे मशीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपरमैन की स्पेसशिप लेकर मशीन के करीब जा रहे थे, पर तभी वहां मिया आकर उन लोगों पर हमला करती है। मिया उन्हें मारने लगती है। मिया यूएस मिलिट्री को रोकना चाहती थी। आखिर वह यूएस मिलिट्री के ऑफिसर के पास पहुंच जाती है। यहां वह ऑफिसर मिया से कहता है कि दुनिया को बचाने के लिए मैं सैक्रिफाइस देने के लिए रेडी हूं।
ऐसा कहकर वह अपने प्लेन को उस दूसरे मशीन से टकरा देता है, जिससे वह दूसरा मशीन भी कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उसी वक्त लैन भी उस हवाई जहाज से नीचे गिरने लगती है। सुपरमैन लैन को देखकर उसके पास आ जाता है और उसे वहां से बचाकर नीचे ला देता है। अब पृथ्वी पर जोर द्वारा छोड़ी गई दोनों मशीनें तबाह हो चुकी थी। सबको ऐसा लग रहा था कि अब वो लोग सेफ है और उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। पर तभी वहां जोर आता है, जो काफी गुस्से में था। जोर सुपरमैन से कहता है कि क्रिप्टन और उसके लोगों को बचाने का यह आखिरी मौका मेरे पास था और वो भी तुम्हारी बेवकूफी की वजह से खत्म हो गया। तुमने वह खास मशीनें भी तबाह कर दी जिससे पृथ्वी पर क्रिप्टन बसाया जा सकता था। ऐसा कहकर जोर्ड सुपरमैन पर हमला करता है। यहाँ पर सुपरमैन और जोर्ड के बीच तगड़ा मुकाबला दिखाया गया है। यहाँ पर वह दोनों लड़ते हुए एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। वहां पर जोर्ड अपनी आंख से एक लेजर बीन छोड़ने लगता है। वहां बिल्डिंग में कुछ लोग थे। जोर्ड वह लेजर बीन उनकी ओर छोड़ने की कोशिश करता है। सुपरमैन जोर्ड को कहता है कि ऐसा मत करो, पर जोर्ड कुछ सुनने को रेडी नहीं था। अब वहां जोर्ड उस लेजर बीन से इनोसेंट लोगों को मारने ही वाला था। तभी सुपरमैन जोर्ड की गर्दन मरोड़ देता है और यहाँ पर फाइनली जोर्ड खत्म हो जाता है। जोर्ड को मारने के बाद सुपरमैन भी रोने लगता है क्योंकि वह किसी को मारना नहीं चाहता था। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी को बचाने के लिए और इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए ना चाहते हुए भी सुपरमैन को यह करना पड़ा। अब क्लार्क केंट, जो कि एक सुपरहीरो था, वह फाइनली पहुंचता है एक न्यूज रिपोर्टर की जॉब के लिए। यहाँ पर लैन क्लार्क से कहती है कि वेलकम टू द न्यू प्लैनेट, और बस यही पर मैन ऑफ स्टील मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2013 में रिलीज हुई मैन ऑफ स्टील मूवी को IMDb पर 7/10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 56% एंड ऑडियंस स्कोर 75% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ DC की नेक्स्ट मूवी बैटमैन वर्सेज सुपरमैन की एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।